आया मेरे को लग रहा है ना। आइए प्लीज आइए सर, जोरदार तालियां, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस अमेजिंग राइटर हियर विद अस। सर, व्हाट डू यू हैव टू से राइटिंग डायलॉग्स फॉर नवाज, राइटिंग द एंटायर थिंग फॉर दिस अमेजिंग कास्ट? नवाज साहब हैं, नेहा जी हैं, मीमोज देयर, संजय मिश्रा साहब, जरीना बहाव जी, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है सर, ये पूरी कास्ट बड़ी कमाल की है, तो अपने ऊपर कितना प्रेशर महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि नवाज़ भाई की तरह मतलब मेरी भी पिछली फिल्में डार्क रही हैं और बहुत मेरे ऊपर एक ठप्पा सा लग गया था। मैं एडल्ट फिल्में लिखता हूँ, मतलब मुझे लगा कि फैमिली फिल्म मैं नहीं लिख सकता क्या, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर इतने अच्छे एक्टर्स हमारे पास थे और उनके लिए हमें फैमिली फिल्म लिखना है और वो भी कॉमेडी भी हो उसमें, ह्यूमर भी हो, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन नवाज़ भाई का एक बाबू मोशाय के टाइम पर हमने एक चीज़ देखी थी, कमाल की स्पॉन्टेनिटी है, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो एक चीज़ को अचानक इतना ज़बरदस्त कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो हम लोगों के नज़र में था और उसके साथ फिर मुझे लगता है कि एक चीज़ आगे बढ़ती गई और हम यहाँ तक पहुँच गए। सर बहुत आगे तक पहुँच गए और अभी बहुत आगे जाएंगे आई एम श्योर 12th मई को जब सब लोग ये फिल्म देखेंगे। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन। वी विल हैव अ क्विक फोटो ऑफ आप। वन सेकंड, किरण कम ऑन। या So Kiran has been the creative producer on the film, and come Kiran. Okay. So because without her and without Ghalib Saab, I think the creative force doesn't get completed. Whatever the film you're seeing, and good or bad, is the three of us. And also before that, I mean it's only good, huh? No good and bad. We want you to say something, you know. Just thank you. Bas itna hi. Thank you to everyone. And I think the amount of fun we had making this film, I think the audience is really going to enjoy it. If they have even half the fun that we had, I think we've achieved it. Wow, yeah. Wow. You know, खुद का प्रोडक्ट जब खुद समझ में आता है और आपको खुद पता होता है आपने क्या किया हुआ है, तो आई एम श्योर पीपल आर गोना लव दिस। ऑल्सो ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज अनिल थडानी साहब, ए फिल्म से ऑफकोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अनिल सर थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर। अब मैं सर सवाल तो पूछूंगा, देखिए आप यहाँ पे आए, इस पूरी टीम के बारे में, इस पूरी पॉजिटिविटी से भरी टीम के बारे में, व्हाट डू यू हैव टू से सर, बिकॉज देयर इज सो मच उम्मीद और सो मच प्यार इन दिस टीम। So I just like to wish Naeem bhai the very best. He's a new entry into our industry and I wish him all the success and I hope that the audiences give it the love it deserves. I'm sure sir aise hi hone wala hai. Yes, now you can go click click click. Cool. Ji, thank you so much. And thank you so much, Mr. Thadani. Thank you so much. Yes, ab hum apne sawal jawab jo hai unhe shoot kar sakte hain. To kahan se aa raha hai pehla sawal? Ji, Arun sir. Mic hai? Rekha ji, start kare. Nawaz bhai, aapke samne. Upar thoda sa dekhiye camera ke paas. Hi, kaise hain aap? Kaise hain aap? मैं कैसा दिख रहा हूँ? मस्त। नवाज भाई, मेरा ऐसा मानना है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे आपके पीछे पड़ जाए कि शादी कर लो कर लो कर लो, तो उन्हें अपनी ऐसे बीमारियों के बारे में नहीं गिनाना चाहिए, आप भी मानते हैं ये बात? नेहा जी देखिए स्माइल कर। जब शादी नहीं करनी होती तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में गिनाया जाता है। अच्छा। क्या मैं ये भी लेता हूँ वो भी लेता हूँ। वो शोले का एक सीन है ना बहुत अच्छा, कि मेरा दोस्त हो इतना टाइप में, तो यहाँ खुद ही बोल रहा हूँ मैं कि भाई इतना ख़राब हूँ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, लेकिन वो तब भी पीछे पड़ी हुई है उस फिल्म में, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप फाइनली जब ये पिक्चर खत्म? तो जो शादी ये टॉर्चर है ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। है ना, आप बताइए। तो उससे बचने के लिए क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर है ये फिल्म। ओके, एंड नवाज जी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। आया आया मुझे आ रहा है। नवाज जी, ऐसा कोई जुगाड़
आपने किया है लाइफ में किसी किरदार को पाने के लिए कि ये किरदार अगर मुझे मिल जाए इसके लिए आपने कुछ जुगाड़ किया? नेहा जी आपसे भी। किरदार पाने के लिए तो मैंने कभी जुगाड़ नहीं किया। अच्छा, एक बार जुगाड़ किया था, ऑडिशन में गया था मैं फोटो लेके, तो यार मैंने ये रोल मिल गया, तब फोटो चलते थे, फोटो और इंस्टा तो था नहीं तब, है ना, ट्विटर इंस्टा फेसबुक ये सब थी नहीं, तो फोटो दे देते, फोटो और रिज्यूम देते थे अपना, तो रिज्यूम तो मैंने दे दिया, हाथ से लिखा हुआ था कि मैं एक्टर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ये मेरी एज है, ये मैं हूँ। फोटो जब फोटो लेने की बारी आई तो फोटो बोले फोटो दिखाओ, तो फोटो एक पड़ा हुआ था मेरी जेब के पीछे मुड़ा हुआ, तो मैंने उसको ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुल मेरा वापस फोल्ड हो जा रहा था, फिर खोलूँ फोल्ड हो जा रहा था, ऐसा हो रहा था, तो कैसे कैसे खोल के दिया, उसने देखा मेरा फोटो, उसने बोला दफा हो जा अभी यहाँ से, जिस आदमी के पास फोटो भी नहीं है उसको हम कैसे क्या कर लेंगे उसका, इस तरह का हुआ था एक बार मेरे साथ, तो वो भी जुगाड़ फेल हो गया था, मतलब इस तरह के जुगाड़ किए रोल पाने के लिए, बट ऑलमोस्ट सारे फेल हुए। नेहा जी आपका कोई जुगाड़, आपने कोई ऐसा जुगाड़ किया हो जो ऑडिशनिंग की जहाँ तक बात है, हर फिल्म के लिए जुगाड़ करती हूँ, बट आई मीन ऑडिशन करती हूँ, बट सम आर गुड सम आर बैड, आई फील लाइक गॉड्स गॉट अ बेटर प्लान, तो मुझे लगता है कि जो फिल्म आपके नसीब में होती है वो आपको मिल जाती है। वाह क्या बात है। और जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता है। नवाज भाई आपने बताया कि इस बार चॉकलेटी बॉय का किरदार आपको मिला है, वरना डार्क चॉकलेटी बॉय, ऊ लाला, आपने बताया, तो बताइए कितना खेलने का मौका मिला इस किरदार के साथ में आपको, नेहा जी हैं आप हैं, कितना खेलने का? ऑफ कोर्स बहुत मौका मिला, क्योंकि डायलॉग्स भी ऐसे थे, बहुत सारी इंप्रोवाइज भी हुई चीज, और क्योंकि एक्टर्स इसमें अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे, चाहे वो संजय भाई हों और मेरे, चाहे वो घनश्याम हों, और इतने सारे एक्टर्स हैं मेरे आसपास के दोस्त ही हैं सारे, तो उनके साथ एक होता है कि एक लाइक मीमो है या नेहा है, इनके साथ ऐसा होता है एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर सा लगता है माहौल कि भाई मेरे से अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको संभाल लेगा वो। कॉमेडी में ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली भी निकलती हैं, है ना, तो वो मज़ा तो आया, फन फिल्म थी। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इंटेंस कैरेक्टर करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में थिएटर के दौरान आई थिंक 150-200 प्लेस जो किए मैंने वो सारे कॉमेडी ही थे, मैं राजपाल विजय राज हम लोग का ग्रुप था थिएटर के दौरान, हम सिर्फ कॉमेडीज ही करते थे, बट जब मैं यहाँ आया उसको कॉमेडी मिलने लगी, मुझे इंटेंस, मेरे चेहरा देख के मुझे इंटेंस कैरेक्टर मिला था, भाई कॉमेडी में एक्सपर्ट थे हम लोग उस वक्त पे थिएटर के दौरान। थैंक यू जी रवि भाई। हेलो नमस्कार, हाय दिस इज़ आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी। आप अपने वर्सटाइल किरदार के लिए जाने जाते हैं, भले फिर वो चांद नवाब बजरंगी भाईजान से क्यों ना हो, आइकॉनिक कहा जाता है वो सीन, एंड ये जो फिल्म है इसके कैरेक्टर के लिए क्या क्या प्रेपरेशंस किया आपने? सच बताऊँ इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि इस तरह का रोल था ये कि इसकी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, सेट पर जाके जो डायरेक्टर ने बताया, क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई है और दूसरे जो डायरेक्टर हैं जो को एक्टर्स हैं उनके साथ ऑन द स्पॉट क्या केमिस्ट्री बैठती है, रिहर्सल्स में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके कि घर पे मैं बैठ के कुछ दूसरे कैरेक्टर होते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन की जाती है, जैसे मंटो हैं या ठाकरे की मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, बट इस तरह के रोल के लिए प्रिपरेशन नहीं, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, कॉमन सेंस होना ज़रूरी है, आपका डायरेक्टर आपकी राइटिंग को एक्टर्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर। Hi, in the middle, this is Shrabanti from Anand Bazar Patrika. Lovely trailer, we loved it. Congratulations. My question is to Kushan and Galip ji both. I guess this is your third association with each other, Hamdam, Babu Moshai, and now this. Would like to know first from Galip ji, how was the association with Kushan? और क्रिएटिव डिफरेंसेस जब होते थे दोनों दोस्तों के बीच, आई एम श्योर आप लोग रियल लाइफ में अच्छे दोस्त भी हैं, मारते हैं एक दूसरे को, हाँ तो वो थोड़ा बताएं दोनों ही। थैंक यू। क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते, हमारे झगड़े होते हैं, हम लोग किसी बात पे अड़ जाते हैं फिर, लेकिन अल्टीमेटली उससे हम जिस नतीजे पे पहुँचते हैं वो बहुत अच्छा होता है, ये हमारा ऐसा मानना है, तो हम लोग उसके लिए कभी हिचकते भी नहीं हैं हम लोग अपने डिफरेंसेस के लिए, लेकिन अच्छी बात यह कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हम समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और वो समझते हैं कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो एक अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमारे साथ किरण जी का बहुत बड़ा हाथ है,
ये सिर्फ हम दो लोगों की टीम नहीं है, हम तीन लोगों की टीम है और हम तीनों द पीस मेकर, ये पीस मेकर, ये हम दोनों के बीच में समझौता करवाती है जी। एंड कुशन नाम, उन्होंने बोल दिया, सम अप कर दिया, एक्चुअली यही है कि वो जो झगड़े होते हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उससे कुछ अच्छा निकलता है और मतलब वही अल्टीमेटली हम आप काम करते हैं कुछ अच्छा निकालने के लिए, सो वो सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। एंड मीमो माय क्वेश्चन जी, हाय मीमो, वी कुड सी अ डिफरेंट मीमो इन द फिल्म, आई मीन व्हाट वाज द व्हाट वेर योर रीजंस टू से यस टू दिस फिल्म, और आपने वेट भी गेन किया है इसके लिए या? जी जी जी, थोड़ा बताइए। बिकॉज एक्चुअली जब ये रोल आया था हम लोग के पास, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इतना चैलेंजिंग रोल मिला। एंड देन जब कुशांत सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, कुशांत सर एंड किरण मैम ने, वी आर एक्चुअली शॉट टू डेज फॉर द फिल्म बिफोर, बट जब कोविड का लॉकडाउन हो गया था देन वी हैड टू पुश इट। तो मुझे अभी भी याद है, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, व्हेन कुशांत सर हैड कॉल्ड मी टू द ऑफिस, मुझे लगा था कि सर बोल रहे हैं कि मुझे बुला रहे कि तुम अभी इस फिल्म में नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बार हो चुका है, लाइक आई हैव एक्चुअली साइंड फिल्म्स एंड इन द एंड ऑफ द डे उन लोग बोलते हैं कि तुम इसमें हो नहीं, बट आई वाज लाइक आई टोल्ड मॉम, देखियो देखो मॉम आई थिंक ही इज कॉलिंग मी बिकॉज ऑफ दैट, बट देन व्हेन ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस उन्होंने बोला हम तुम्हारा लुक पूरा चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज जो कैरेक्टर लिखा है सर ने, जो हमने शूट किया था, इट वॉजन्ट मैचिंग द कैरेक्टर, बिकॉज जैसे डिम्पल का कैरेक्टर है, नवासा का कैरेक्टर है, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ देम। तो उन्होंने एक्चुअली बैठ के मेरा पूरा लुक बदला, एंड एज यू सी इन द फिल्म दैट इज़ वॉट द कैरेक्टर इज़, एंड देन फिर जब फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज टू द वे ही